नमस्कार मुस्तित पटनायक संगीतकार एवं गायक विश्वजित महापात्र सहित कम कर किसी दिन तेज़ सुजोग मिलता से गोटे गीतटे लिखी थी से गीतर कि अंश थी एमती जे मरी मरी के जिंच कि सहजय जीवन भाविच कि आखिरे साइति स्वप्न सबू जी निजक भांगुची गढ़ुची से कलाकार से कलाकार पुण्यतया पाणिग्राही बालेश्वर घर ग्रेजुएट कंप्लीट कर सारी शैलवाला वुमेन्स कॉलेज कटक रु एवं लॉ रे पाठ पढ़ुंट वर्तमान पाठ तो यहाँ गोटे साइड रहा बट तर सब बड़ निशा थी अभिनय करवा से कौन कौन सब स्ट्रगल वर्तमान कौन चलती लाइफ चलत जाना पुण्यतया पुण्यतया स्वागत कर ऑल माय प्लेजर आपन को एठी पाइबा बी आम पई गोटे सौभाग्यर विषय सो पुनेते आमे आगो स्टार्ट करिबा केबे भितरे ए स्वप्नटा उंकी मारथिला जे मते अभिनय करियार अछि केबे पुनेते जानले जे आई कैन बी एन एक्ट्रेस एटा त लाइक मोर छोटो बेलरु ही स्वप्न थिला पिला बेलरु ही मते एक्टिंग रे इच्छा थिला बट फर्स्ट केमती आरंभ है ना आम स्कूल एनुअल फंक्शन थिला मु लाइक केजी वन कि केजी टू रे पढ़ू थी से तो मैम सर मैंने कहले कि पुण्यतया तुम डांस कर मत तो से डांस आसुन थिला तो मामा पूरा मत डांस पूरा सिखेले तापर मुझे डांस कली तो लोक मानी बहुत पसंद आसला मो मामा भी कहले अरे मो झील एत भल डांस भी करपे तापर मत डांस एडमिशन कराइले तापर जो मुझे डांस शिखा आरंभ कली से डीडी नेशनल रे से सब छोट पिला शो आसला इटिकिली मिटिकिली मिनी सुपरस्टार तो से मु फर्स्ट माने डांस परफॉर्मेंस रे माने डांस परफॉर्म कली तो सेउटो धीरे धीरे एक्टिंग पाई भी इंटरेस्ट आसला तो एउटो जर्नी स्टार्ट हला ग्रेट सो एउटो जर्नी स्टार्ट हेतला से तबे चिंता करथलो जे तमे आगु को जाई गोटे भलो एक्टिंग एक्ट्रेस टे हि परिबो आ धीरे धीरे तमे फिल्म रे काम करिया को सुजोग पाइबो ए जिंसा से तबे मुंडो को आस्थिला ना केवल पढा उपरे कंसंट्रेट करथलो फर्स्ट तो माने डांस करूथिली तापर पुणी हाँ तापर पुणी मते जो ड्रामा हुए स्कूल रे से थे भी मुझे पार्टिसिपेट कली तो से पुणी जान ली हाँ मुझे एक्टिंग भी करपरि बट के भावि नी मैंने स्क्रीन मुझे आसीपरि टी रे देखिपरि निजकू बट मु लॉकडाउन रे ही मते फर्स्ट चांस मिलला मो फर्स्ट म्यूजिक वीडियो रे मु करथिली मु डायरेक्शन देथिली हां सर मते तरंग म्यूजिक रे गोटे गीत टेतला सर मते फर्स्ट चांस देथिले तापरे मु देखिली जेंती हां मते चांस मिलुची तो काहे कि ना मु एई थिरे आगो को न जिबे तो मु प्रथमे कहि रखिया पई चाहिबी जते बेले गोटे थिला मु जे एक पागल घर बोली गोटे गीतटे बहुत पुराना गीतटे थिला ताकु जते बेले आमे तरंग म्यूजिक पई करिया पई चिंता करलु सो जते बेले तरंग म्यूजिक रो ऑफिशियल्स माने मते कहले चार पांचटा नुआ जियो मानन को नेकि ए गोटे स्टोरी बेस्ड ए आछि एंती करिया सो सेते बेले नुआ पांचटा आर्टिस्ट को नेकि मु सेते बेले चिंता करथिली एंड पुण्यतया प्रोफाइल मो पाक आसला व्वेन आई अप्रोच्ड हर से बहुत खुशी राजी हो गले एटा म्यूजिक वीडियो एक्चुअली पुण्यतया मुझे दूर मो नॉलेज अच्छी तापूर्व तुम गोटे फिल्म भी काम कर सकल काम कर सकल कौन से फिल्म टा थिला जो तू से मुझे फिल्म रो ना थिला सेटा माने भोजपुरी आउ ओडिया दीटा लैंग्वेज रे थिला तो सेथिरे मु चाइल्ड आर्टिस्ट भाव रे सेटा करे थिली बहुत छोटो रोल टा थिला के केमती मिलिला से फिल्म टा से फिल्म टा एक्चुअली मुझे कहूली जो मिनी सुपरस्टार इटिकली मिटिकली करी तार जे डायरेक्टर थे सुशांत कुमार राउत प्रोडक्शन से तो सी मत चाइल्ड आर्टिस्ट पाई अप्रोच कर फर्स्ट सो कैमेरा को फेस कर पिला स्टार्ट एमती सो जिते बड़े गोटे म्यूजिक वीडियो सरला तरंग एंट्री हो गला सो मुझे जानापी चाहे पुण्यतया ता पर स्टेप गुड़ा केमती गला आपको सहज में मिले आरंभ हो गला सब म्यूजिक वीडियोस काम बड़ बड़ ब्रांड डायरेक्टर्स मान सहित भी आप कम कर सो द्वितीय म्यूजिक वीडियो गोटे थी आप अश्विन त्रिपाठी सहित ता विषय में कि कहतु आज्ञा द्वितीय म्यूजिक वीडियो भी मत तरंग म्यूजिक रही करी से मतलब बोधे से म्यूजिक वीडियो रु देखिक ही पुणी मत बोधे से मैंने अप्रोच करते सो से आप अपोजिट किए थे
तार ऑपोजिट रे थिले अभिषेक पंडा ओके अभिषेक पंडा इज वन ऑफ द मोस्ट ट्रेंडिंग एक्टर राइट नाउ सांकर बहुत गुडे गीत आप माने देखुतिबे सो पुनेते ये थिला तो आपनकर म्यूजिक वीडियोस एंड जो आरंभ होतला करियर तापर तो आप बहुत गुडे म्यूजिक वीडियो कलेनी पाखा कि 10टा खंडे म्यूजिक वीडियो आपनकर ऑलमोस्ट सरलानी आपनकर फिल्म भी गोटे साइन करछन्ते आमे सुनिया को पाइलु आज्ञा से फिल्मटा ना कोन थिला अछि माने जोटा साइन करछन्ते ता बिषय जे कहि हबो ना कहि हबो नै ना एबे तो बस इनिशियल स्टेज रे अछि त मु सेटा जते जाय से माने डिस्क्लोज करना है ते मु कहि परबेनी बट कहि परबे जे खाली हम साइन करी छी बट ए बडो प्रोडक्शन हाउस से करछन्ते ओके सो वर्तमान कोन चल छी लाइफ रे व्हाट यू आर डूइंग नाउ एबे तो मु फर्स्ट एबे सीरियल करूची स्टार किरण रे शांति शांति सीरियल एबे करूची ओके शांति सीरियल जहां मैं जानचू जोडा अनुपमा बोली ओडे सुपर हिट सीरियल थिला तार ऑलमोस्ट सेम पैटर्न रे सेम प्लॉट ऑफ स्टोरीज से चलची सो आपण सेठी को कैरेक्टर टा करचंती सेथिरे जो नंदिनी कैरेक्टर टा मु सेडा करूची एबे ओके नंदिनी माने शांतिंकर सानपुर हां सान गर्लफ्रेंड गर्लफ्रेंड ओके सो पुण्यतया मुझे आउ किछ टा कथा जने पे एटा त हम बेसिक आपण माने जानले पुण्यतया कोन कोन काम करचंती कोन पाठ करचंती कोठी करचंती घर कोठी आपण कर एक्चुअल घरटा कोठी मा एक्चुअल घर बालेश्वर रो गोपालपुर फैमिली बिषय किछ जाने पे चाहे आपण को जने को दर्शक माने भी जाने हो जाउचंती आपण को फैमिली रे के सब अछो मो फैमिली रे मो बाबा मो मामा मो भाई मो भौज एतिके आमे छोटा संसार हमरा जते पहिले एक्टिंग करिया पे डिसाइड करले केते कष्ट थिला घर लोकन को बुझेबा जे मु एक्टिंग करिया पे चाहू छी आ मते सुजोग दिया जो कोन सहज रह गेला ना बहुत पांपड़ बेलिया को पड़ीतला सेति पे बहुत पांपड़ तो बेलिबा को पड़ीतला फर्स्ट जते बेले मु छोटा थिली सेते बेले एक्टिंग पे किछ एते प्रॉब्लम्स हो नथिला बिकॉज़ मु डांस शोज ओडा करूथिली तो बड़ हो गली तो घरे लाइक चाहिले कि हाँ तुम्हें तो पाठ पढ़ा बेस कॉन्सेंट्रेट कर तो फर्स्ट मामा को बुझेली ना यहाँ मत कर मत इच्छा अच्छी तापर मामा धीरे धीरे सब स्लोली स्लोली टिके टिके बुझिले तापर कहले अच्छा हो एते जिद्दी अच्छी तोर जदि तू करे तोर जहाँ इच्छा तू करे सो सपोर्ट मिलला आपको फैमिली रूपी बापा आ भाई कोठी रहउछन्ती बापा सेठी बालेश्वर रे जॉब करूछंती गोपालपुर कॉलेज रे से लेक्चरर अछंती बॉटनी लेक्चरर आ भाई तो एबे दूर रे ही रहउछंती से केतबेले चेन्नई केतबेले इंदौर सब रे एमते चेंज ओके सो पुण्य मु जानिया पे चाहूथिली जे हैव यू एवर बीन इन लव आई डोंट थिंक सो केबे भी भल पाई न काकु जा हो सेमि दे के मिले ही ना आंदी सो ऑल दोस बैचलर्स आपण माने जानि रखंतु पुण्यतया सिंगल अछंती एंड हियर इज अ चांस केमिति चाहू छ कोन चाहू छ बट सिंगल नॉट रेडी टू मिंगल बट जदी केबे तमे तमे जीवन साथी बिषय चिंता करछ सम टाइम्स व्हेन यू वांट टू बी मिंगल जिन तमे कोछ कोन चाहू छ तमार जीवन साथी केमिति हबा उचि कोन कोन गुण रहय दरकार ता पाके से फर्स्ट तो से गोटे भलो मानिस हेथिबो आ मते बुझी पारुथव मोर स्वप्न को बुझी पारुथव मो घर लोगों को भी सेति के रेस्पेक्ट दउथव ताले जाय किछ हे परबो अच्छा लुक्स रे किछ फरक पड़े केमते देखिया पे हेलेनी लुक्स रे मो हिसाब रे लुक्स गोटे इंसान को के वे माने लुक्स रे तो जज करबा कथा नय फर्स्ट तार दिल को भी देखिया कथा यू हैव ए हार्ट शी इज ऑन फॉर यू राइट सो जिनस होची पुण्या ये तो गला गोटे पार्ट ऑफ स्टोरी कितने डिफिकल्ट हुए जो इंडस्ट्री में काम मागे को पड़े क्या सहित डिस्कसन करिया को पड़े प्रोड्यूसर को पाक जीवा को पड़े डायरेक्टर को पाक जीवा को पड़े जो रिजेक्शन आसे जो हाँ कोई कमिटमेंट को रखा हुए नहीं किंबा कि केवे मिसबिहेव स्कोप थी 100% ही दे पारे मना करनी सो से सब जिन सब कैसे डील करो मु केबे माने मो लाइफ रे केबे आशा ही फर्स्ट मु रखेनी आशा रखिले ही तो मैं आगो को ना जाय के हर्ट हबो तो जदी मते मिलु चीज से जिंसडा तो मु फर्स्ट कर दे अच्छा हो ठीक अछि आगो मु काम करि सरे तापर जाय के जा
ପୁଣି ଆଉ ଗୋଟେ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ବହୁତ ଡିଫିକଲ୍ଟ ପ୍ୟାଟର୍ଣ୍ଣର ଜିନିଷଟା ଚାଲିଛି। ନୂଆ ଝିଅମାନେ ଆସିଲା ବେଳେ ବହୁତ ପ୍ରକାର ତାଙ୍କ ଆପ୍ରୋଚ୍ ହୁଏ, ଲାଇକ୍ ଫେଭର୍ସ ମାଗନ୍ତି ପ୍ରଡ୍ୟୁସର୍ ଡିରେକ୍ଟର୍ସ ମାନେ, କାଷ୍ଟିଂ କାଉଚ୍ର କେବେ କିଛି ଏମିତି ଜିନିଷର ସାମ୍ନା କରିଛ କି କେବେ କେମିତି ଏଇଭଳିଆ ଜିନିଷକୁ ଡିଲ୍ କରିଛ, ଆଉ ଯଦି ବି ଏମିତି କେବେ ଆସିଛି ତାହେଲେ ତାକୁ ଡିଲ୍ କେମିତି କର? ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଇ ଜିନିଷଟା ବହୁତ ହେଉଛି ଆଜିକାଲି ନ୍ୟୁ କମର୍ସ ମାନଙ୍କ ସହିତ, ଇଭେନ୍ ମୋ ସହିତ ବି ସେଇଟା ହେଇଛି ଏମିତି, ବଟ୍ ତା ମାନେ ମାନେ ଫ୍ରଣ୍ଟ ଟୁ ଫ୍ରଣ୍ଟ କେବେ କୁହନ୍ତିନି କେହି, ବଟ୍ ଇନଡାଇରେକ୍ଟଲି କୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଯଦି ବି ଏମିତି କହିଦିଅନ୍ତି ସେମାନେ ଫେସବୁକ୍ରେ ଏମିତି ମେସେଜ୍ କରନ୍ତି, ବଟ୍ ତାପରେ ସେଇଟା ପୁଣି ଡିଲିଟ୍ ବି କରିଦିଅନ୍ତି। ତ ଏମିତି ବହୁତ ହୁଏ, ବଟ୍ ଯଦି କିଏ ଏମିତି କହୁଛି ତ ମୋ ହିସାବରେ ଏମିତି ନ କରିବାଟା ହିଁ ଠିକ୍, ବିକଜ୍ ଆମେ ହିଁ ସେମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ମୁହଁ ଦେଉଛୁ ମୋ ହିସାବରେ। ବିକଜ୍ ସମସ୍ତେ ଘରେ ଘରେ ସମସ୍ତେ ଚାହାନ୍ତି ଯେ ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେବା ପାଇଁ, ତ ସେଇ ଜିନିଷଟାରୁ ଏମାନେ ସେଇଟା ଫାଇଦା ଉଠାଉଛନ୍ତି। ଯଦି ମୁଁ ମନା କରିଦେଉଛି ଆଉ କିଏ ଝିଅ ରାଜି ହେଇଯିବ ସେ ଆକ୍ଟିଂଟା କରିବ? ତ ଯଦି ଆମେମାନେ ହିଁ ନିଜେ ମନା କରିଦିଅନ୍ତୁ ନିଜ ଆଡ଼ୁ, ଯେ ସମସ୍ତେ ମନା କରନ୍ତେ, ତ ଆଇ ଥିଙ୍କ୍ ଏଇ ଜିନିଷଟା କେବେ ହୁଅନ୍ତାନି, ଆଉ କେଉଁ ଝିଅକୁ ବି ଏଇ ଜିନିଷଟା ଫେସ୍ କରିବାକୁ ପଡ଼ନ୍ତାନି କେବେ। ସୋ ତମେ ମୁଁ କହିବା କଥା ଯେତେବେଳେ ତମକୁ ପଚାରନ୍ତି ତମେ ତାଙ୍କୁ ନାହିଁ କେମିତି କର କି ଡିଲ୍ କେମିତି କର, ସେ ଜାଗାରେ ଚୁପ୍ ରହିଯାଅ ନା ତାଙ୍କୁ ଗାଳି ଦିଅ ନା ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଆଭଏଡ଼ କରି ରହିଯାଅ ନା କେମିତି? ମୁଁ ଷ୍ଟ୍ରେଟ୍ ଫରୱାର୍ଡ଼ କହିଦିଏ, ମୋତେ ଏସବୁ ଜିନିଷ କରିବାର ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ମୋ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟ ଦେଖିକି ଯଦି ମୋତେ କାମ ଦେଉଛନ୍ତି ତ ଦିଅନ୍ତୁ, ନହେଲେ ମୁଁ ସେମିତିକା ଝିଅ ନୁହେଁ, ମୋତେ ସେମିତି ହେଇପାରିବନି। ଓକେ, ସୋ ପୁଣ୍ୟତା ଯଦି ବାଇ ଚାନ୍ସ କାଲି ପୁଣ୍ୟତା ଆକ୍ଟ୍ରେସ୍ ହେଇପାରିଲାନି, ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଦ ଗୁଡ଼୍ ଲୁକ୍ସ ୱିଥ୍ ଅଲ୍ ଗୁଡ଼୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍, ତମେ ଯେତେ ଯାହା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିଛ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଖାଲି ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣ ଖାଇବାକୁ ପାଉନାହାନ୍ତି, ରାସ୍ତାରେ ରହୁଛନ୍ତି, ବହୁତ କଷ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି, ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାମ ପାଉନାହାନ୍ତି, ନଟ୍ ଲାଇକ୍ ଦ୍ୟାଟ୍। ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ ଏହା ବି ଯେ ଗୋଟେ ଝିଅ ଯିଏ ବାହାରେ ରହୁଛି, ଲାଇକ୍ ୟୁ ପୁଣ୍ୟତାଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ବାଲେଶ୍ୱରରେ ରହୁଛି, ତାଙ୍କ ଫ୍ୟାମିଲି ସହିତ ଫାଇଟ୍ କରୁଛି, ଆସୁଛି କଟକରେ ଏକା ରହୁଛି, ଏଠି ଆସି ଆକ୍ଟିଂ କରୁଛି, ତା'ର ସିରିଏଲ୍ କରୁଛି, ଆଣ୍ଡ ୟୁ ଆର୍ ଇଣ୍ଡିପେଣ୍ଡେଣ୍ଟ ନାଉ। ସପୋଜ୍ ଏ ଜିନିଷ ଆଗକୁ ବଢ଼ି ଯଦି ତମେ ତମ ଡ୍ରିମ୍କୁ ପହଞ୍ଚି ପାରୁନ କୌଣସି ୱେରେ, ଇଭେନ୍ ଇଫ୍ ୟୁ ମିସ୍ ୟୋର୍ ଡ୍ରିମ୍, ତାହେଲେ ପୁଣ୍ୟତା କ'ଣ କରିବେ? ଓଭିୟସ୍ଲି ମୋତେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ତ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେବ, ବଟ୍ ସବୁଥିରେ ଲାଇକ୍ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ବି ତ ସମସ୍ତେ ରଖିଥାନ୍ତି, ତ ମୋର ପ୍ଲାନ୍ ବି ବି ଅଛି। ପ୍ଲାନ୍ ବି କ'ଣ? ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିକି ପଳେଇ? ନାଇଁ, ପ୍ଲାନ୍ ବି ମୋ କରିୟର, ଏବେ ତ ମୁଁ LLB କରୁଛି, ତ ଆଗକୁ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିକି ହେଇଯିବି, ଲୟର୍ ହେବି ଆଉ କ'ଣ। ଓକେ, ସୋ ନା ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ବହୁତ ହସି ମଜାକ ହେଲା, ବହୁତ ନର୍ମାଲ୍ ଡିସ୍କସନ୍ଟେ ହେଲା। ପୁଣ୍ୟତାଙ୍କୁ ମୁଁ ପାଖାପାଖି ବର୍ଷେ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ହେବ ଜାଣିଛି, ଆମେ ଏକାଠି ଗୋଟେ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲୁ, କାମ କରିଥିଲୁ। ସି ଇଜ୍ ଭେରି ପ୍ରଫେସନାଲ୍, ତାଙ୍କର କାମ ସହିତ ମତଲବ, ସେ ଟୋଟାଲି ଯେତେବେଳେ କାମ ବି କରନ୍ତି ପୁରା ଫୋକସ୍ଡ ରହନ୍ତି ତାଙ୍କ କାମ ଉପରେ, ଆଣ୍ଡ ଦ୍ୟାଟ୍ସ ଦ ରିଜନ୍ ୱାଏ ସି ଗ୍ରୋ ସୋ ଫାଷ୍ଟ। ଆଣ୍ଡ ତାଙ୍କ ହାତରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସିରିଏଲ୍ ଅଛି, ଗୋଟେ ନୂଆ ଫିଲ୍ମ ଅଛି, କିଛି ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଭିଡ଼ିଓଜ୍ ଆସୁଛି ତାଙ୍କର। ସୋ ଯଦି ପୁଣ୍ୟତାଙ୍କୁ ଆପଣ କିଛି ବି କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ଆମର ଏ ଏପିସୋଡ଼ର ତଳେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଆପଣ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଚାରିପାରିବେ। ଆମେ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ରେ ପୁଣ୍ୟତାଙ୍କର ଇନଷ୍ଟା ଆଇଡ଼ି ଦେଇଦେବୁ, ଆପଣ ତାଙ୍କ ସହିତ ବି କମ୍ୟୁନିକେଟ୍ କରିପାରିବେ ଚାହିଁ। ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ଫଲୋ ହର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସପୋର୍ଟ ହର୍, ପ୍ଲିଜ୍ ଡୁ ସପୋର୍ଟ ୟଙ୍ଗ୍ ଟ୍ୟାଲେଣ୍ଟସ୍, ଯେମିତି ସେମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସପୋର୍ଟ ମିଳିଲା ତାହେଲେ ସେମାନେ ଆହୁରି ଆଗକୁ ଆସିପାରିବେ। ପୁଣ୍ୟତା ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆପଣ ଆମକୁ ଆଜି ଟାଇମ୍ ଦେଲେ ଏବଂ ଭଲ କଥାଟେ ହେଲେ। ସୋ ସେ କଳାକାରରେ ଆମେ ଆଉ ଗୋଟେ ଦିନ ଏପିସୋଡ଼ରେ, କେବଳ ମୁଁ ନୁହେଁ, ମୋର ସାଥୀ ପ୍ରିୟା ବି ଆଉ କିଛି କଳାକାରଙ୍କୁ ନେଇକି ଆସିବେ। ହେଇପାରେ ସେ କଳାକାରଟି ଗୋଟେ ମ୍ୟୁଜିକ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରିକୁ ବିଲଙ୍ଗ କରୁଛି, ହେଇପାରେ ସେ କଳାକାରଟି ଗୋଟେ ଯାତ୍ରା, ଗୋଟେ ଥିଏଟର କିମ୍ବା ସିନେମା, ସିରିଏଲ, ଯେକୌଣସି ଜାଗାରେ କିମ୍ବା ଡିଜିଟାଲ ମିଡ଼ିଆର କଳାକାରଟି ହିଁ କାହିଁକି ନୁହଁ। ସେ କଳାକାର ନେକ୍ସଟ ଏପିସୋଡ଼ରେ ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ଦେଖା ହେବ, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ, ନମସ୍କାର।